ओके सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आई वेलकम यू ऑल टू अवर सी ओरिएंटेशन सेशन, तो आज जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं हम लोग बस खाली समझेंगे कि सिलेबस में क्या होता है कैसे होता है एंड हम लोग किस तरीके से आ, अपना सिलेबस में प्रोसीड करेंगे ठीक है तो आप लोग को इन द मेन टाइम अगर कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप लोग सब चैट बॉक्स पर डाल सकते हो सो बेसिकली देखो सी एम टू का जो पेपर है ना आप अगर देखोगे तो इसमें जैसे आपके दो एग्जाम्स होंगे ठीक है एक आपका होगा पेपर ए और एक आपका होगा पेपर बी पेपर ए का जो आपका वेटेज होता है वो होता है सेवेंटी परसेंट और पेपर बी का जो आपका वेटेज होता है वो होता है थर्टी परसेंट अभी करेंटली क्या हो गया आई आई में जो हो गया है आईआई जो इंडियन इंस्टीट्यूट जो है उसमें आपका ये हो गया है एमसीक्यू बेस्ड एंड आई एफ ओ ए में जो आपका हो गया है दैट इज योर एम एस वर्ड राइट एंड इसके पहले भी आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिया होगा एंड जो पेपर बी जो होगा वो आपका होगा एक्सेल बेस्ड ठीक है सो बेसिकली देखो बहुत सिंपल सी चीजें जो आपको करनी है आपको हमारा पूरा मेंटरिंग और गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करना है ठीक है देखो बहुत सारे लोगों का सिर्फ सी एम टू एज अ पेपर लास्ट पेपर बच जाता है एंड अगर आप सी अगर अच्छे से करते हैं तो इसके संग आपको बेनिफिट क्या मिलता है आप आगे जाके एस लेवल में एस पी या फिर सिक्स एक अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें आपको हेल्प होगा एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्चुअली बनना चाहते हैं तो आप एस एस भी दे सकते हैं तो टू में आपका जो है वो कोर है बेसिकली सीएम टू स्टॉक मार्केट्स का अब जैसे इसमें टॉपिक्स क्या क्या हमने को पढ़ने हैं हम लोग वो एक बार देखते हैं ठीक है एक्सेल आपको डे वन से अच्छे से प्रैक्टिस करना है बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि सर सीएम के संग हम और कौन सा पेपर दे सकते हैं तो सीएम टू के संग में आप एस पी फाइव ओब्लिक सिक्स का एग्जाम दे सकते हो या फिर आप सीपी टू का एग्जाम भी दे सकते हो क्योंकि सीपी टू का जो पेपर है वो है आपका मॉडलिंग प्रैक्टिस ठीक है तो इसमें भी आपका बेसिकली एम एस ही यूज होता है यहां तक सबको ठीक है सबको मेरा वॉइस आ रहा है प्लीज बॉक्स पे रिप्लाई करेंगे ये नो एवरीवन इज कम्फर्टेबल टेल हियर अब देखो अब मैं आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दूंगा कि हम लोग को जैसे सिलेबस में क्या क्या करना है एंड अपने कितना टाइम लगेगा उसमें ठीक है तो सीएम टू का जो पेपर है आप अगर देखोगे इसमें आपको रफली टू हंड्रेड आवर्स स्पेंड करने हैं ठीक है दो सौ घंटा आपको स्पेंड करना पड़ेगा ठीक है अब कैसे करेंगे इसको कैसे करेंगे इसको डिवाइड देखो ध्यान से देखना सबसे पहले आपका जो पहला जो चैप्टर आता है इसमें वो आता है ई एम एच इस चैप्टर का फुल फॉर्म है एफिशियंट मार्केट हाइपोथेसिस ठीक है बहुत सारे स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप जब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो आप ये देखते हो कि भाई पास डेटा देखते हो आप ठीक है कि भाई पास्ट में शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है ठीक है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो मतलब आप खाली पास्ट डेटा पे रिलाई कर रहे हो आप जब कंपनी का एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हो तब उस समय आप कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो एंड आप जब बेसिकली uh, कोई न्यूज के बेसिस में ट्रेडिंग करते हो तो आप बेसिकली प्राइवेट एंड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस में ट्रेड कर रहे हैं। आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो ठीक है ऐसा इंफॉर्मेशन जो नॉर्मल पब्लिक को अवेलेबल नहीं है ठीक है आपने अपने कोई हाई लेवल के सोर्स से डायरेक्टर लेवल या फिर की मैनेजरियल पर्सन जो होते हैं कंपनी में सीईओ सीएफओ उनके रेफरेंस से आपने वो इंफॉर्मेशन को निकाल के अब आप उसके बेसिस में ट्रेड कर रहे हैं ठीक है तो ये जो पहला चैप्टर है ये बहुत सिंपल है इसमें बेसिकली हम लोग फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं आपका टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग ठीक है तो इस चैप्टर में लगभग लगभग आपको जो हमारा क्लास का जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा टू टू फोर आवर्स का ठीक है उसके बाद में हम लोग जो चैप्टर करेंगे, करेंगे वो यूटिलिटी का, ठीक है? तो यूटिलिटी थ्योरी हमने एक बार तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था बट अभी जो भी कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो वेल्थ के परस्पेक्टिव से करेंगे ठीक है ना बेसिकली हमको ये देखना है कि एक आदमी के पास में जितना पैसा है वो उससे कितना यूटिलिटी डिराइव करता है ठीक है एंड बेसिकली हम लोग को यहाँ पर बहुत सारा अह uh, यूटिलिटी के फंक्शंस हम लोग देखेंगे इंसान का रिस्क के प्रति कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे फॉर एग्जांपल uh, आप ये समझो कि अगर कोई ऐसा बोलता है कि अह uh, मतलब मेरे को तो ज्यादा पैसा आने से हम एकदम सारा पैसा एफ में लगाएगा या फिर मान लो कोई ऐसा बोलता है कि मेरे पास ज्यादा पैसा आने से हम और ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएगा तो इंसान का रिस्क कैरेक्टरिस्टिक को समझना बहुत जरूरी होता है इंसान कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान का रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है तो वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर को करने के लिए लगभग लगभग हम लोग को लगेंगे फोर टू सिक्स आवर्स ठीक है इसके बाद में जो पुराना सिलेबस में जो चैप्टर नंबर थ्री था वो बेसिकली अभी हट चुका है जो बेसिकली जिस चैप्टर का नाम था बेहेवेर फाइनेंस एंड स्टोकैस्टिक डोमिनेंस वाला चैप्टर हट चुका है तो जो थर्ड चैप्टर हमारा बनता है वो बनता है मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क ठीक है इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं जो रिटर्न है उसका मीन उसका वेरिएंस उसका डाउनसाइड सेमी वेरिएंस उसका शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल वैल्यू एट रिस्क टेल वैल्यू एट रिस्क तो ये सारे रिस्क के मेजर्स हम लोग देखेंगे मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क के टॉपिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को करने के लिए हम लोग को चाहिए फोर टू सिक्स आवर्स देखो सी का पेपर अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है ना तो आपको इंस्टीट्यूट का पूरा मटेरियल करना पड़ेगा पूरा बैक क्वेश्चन करना पड़ेगा एक्स असाइनमेंट करने पड़ेंगे पेपर भी का सारा जो वीडियोज़ है उसको अच्छे से देखना पड़ेगा सारा लाइव क्लास करना पड़ेगा अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपको रात में जैसे हम लोग का जो क्लास होता है लाइक नाइन टू नाइन थर्टी पीएम के बीच में चालू होता है एंड वो आपका टेन थर्टी पीएम तक चलता है ठीक है तो ये होगा आपका वीक में टू टू थ्री डेज और वीकेंड पे भी आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट क्लास लेंगे मैं भी क्लास लूंगा ठीक है तो जो हमारा रिकॉर्डेड सेट है वो बहुत अच्छे से पूरा बनाया हुआ है ठीक है तो ये जो बेसिकली ये जो तीन चैप्टर्स है इसको मिला के आपका बनता है पहला बुक जिससे आप रिविजन नोट प्रैक्टिस करते हैं ठीक है ना तो ये तीन टॉपिक्स को मिलाएंगे तो आपका पहला बुक बनेगा इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ईजी है ठीक है इसमें आपको बहुत ज्यादा कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है अब जैसे हम लोग इसके आगे जब मूव करेंगे तो हम लोग इसके बाद में जो चैप्टर्स नंबर हमारा आता है फोर फाइव और सिक्स जैसे आपका ये तीन चैप्टर्स जो आएगा ना ये तीन चैप्टर्स जो आपका आएगा ये आपका आता है पोर्टफोलियो थ्योरी का पोर्टफोलियो थ्योरी का ठीक है सो पोर्टफोलियो थ्योरी में बेसिकली क्या होता है आप पढ़ते हैं सबसे अच्छा मॉडल जो कि है कैपिटल प्राइसिंग मॉडल आप पढ़ेंगे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी ठीक है सो बेसिकली आप पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट लाइन सिक्योरिटी मार्केट लाइन ठीक है ना आप पढ़ोगे इसमें कि बीटा क्या होता है आप बेसिकली इसमें ये देखोगे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में अगर एक लाख रुपया है या फिर मान लीजिए दस लाख रुपया है तो आप एक स्टॉक में पैसा नहीं लगा के आप टेन स्टॉक्स में पैसा लगाओगे आप टेन स्टॉक्स में पैसा लगाओगे वन लाख ईच ठीक है ना बेसिकली आपका मेन मोटिव ये रहेगा कि क्यों हम लोग पोर्टफोलियो में एंटर करते हैं क्योंकि पोर्टफोलियो में एंटर करने से अपना जो रिस्क है वो कटता है पोर्टफोलियो में एंटर करने से अपना जो रिस्क है वो कटता है ठीक है ना रिस्क कम होता है बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिस्क मिनिमाइजेशन ठीक है डाइवर्सिफिकेशन ठीक है रिस्क मिनिमाइजेशन है 9 वाले क्लास अभी हो रहे अभी नहीं हो रहे बेटा चालू होंगे ठीक है अभी चालू हो जाएंगे नेक्स्ट वीक से ही चालू होंगे ठीक है अभी जैसे आज ओरिएंटेशन हुआ है ना तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो अलग होगा ठीक है एंड जो अभी रिसेंट में जो ज्वाइन किए उनके लिए अलग होगा ठीक है ठीक है तो बेसिकली ये हमारा जो पोर्टफोलियो का है ये हमारा बुक टू बनता है तो देखो सी एम टू में ना आप अगर बुक वन और बुक टू चाहो ना आप आराम से वन वीक इच वन वीक ईच में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो ठीक है बहुत सिंपल टॉपिक्स ठीक है ना कोई भी इसमें आपको एक्सोटिकनेस नहीं लगेगा पूरा डिटेल भी प्रॉब्लम नहीं फेस होगा तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि बुक वन और बुक टू आप एकदम पूरा अच्छे से कर लेना क्योंकि अब की बार क्या है मैं जो इस टॉपिक से चालू करूंगा मैं उस उसमें आऊंगा मैं तो, मैं चालू करूंगा बुक फोर से जो आपका डेरिवेटिव फ्यूचर्स ऑप्शन है मैं उससे चालू करूंगा बुक वन और बुक टू अभी आपको रिकॉर्डेड से करना है ठीक है जो भी डाउट्स होगा वो मैं आपको करा दूंगा ठीक है तो ये बहुत सिंपल है इसमें टोटल जो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट आएगा वो लगभग लगभग थर्टी आवर्स का आएगा, आएगा थर्टी आवर्स का आपका इसमें टाइम इन्वेस्टमेंट आएगा और एक बात याद रखिएगा आपको ए और बी को पैरलि चलाना है एक चैप्टर आपने किया आपने उसका बैक क्वेश्चन किया जो डाउट्स हुआ वो मैं आपका क्लियर कर दिया ठीक है फिर आपको इसका पेपर भी करना है जो डाउट्स होगा वो शिवांगी मैम क्लियर कर देंगे इस तरीके से हम लोग मूव करेंगे ठीक है एंड लाइव में क्या क्या करेंगे रिकॉर्डेड में क्या क्या करेंगे ये मैं आपको पूरा बता दूंगा सीएम टू में एक बहुत अच्छा मिक्स रहेगा लाइव क्लासेस मैं लूंगा शिवांगी मैम लेंगी रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहेंगे और आज जो लोग हम लोग को ज्वाइन किए हैं मैं आप लोग को ये चीज भी बता देता हूँ कि नवम्बर एंड तक हम लोग अपना पूरा टारगेट बनाएंगे सिलेबस को कम्प्लीट करने का ठीक है सिलेबस को कम्प्लीट करने का सिलेबस को कंप्लीट करने का हम लोग नवंबर एंड तक का पूरा अपना टारगेट बना के चलेंगे ठीक है इसके बाद में जो आपका सी एम टू में टॉपिक आता है जो बुक थ्री का जो टॉपिक आता है वो आपका आता है ब्राउनियन मोशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है तो हल्का सा चैलेंजिंग है बट ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि ये मैं आपको लाइव कराऊंगा ठीक है मैं आपको पूरा चीज अभी एकदम वापस से रिपीट भी कर दूंगा कि क्या मैं लाइव कराऊंगा और क्या मैं रिकॉर्डेड में कराऊंगा ठीक है रिकॉर्डेड का ये मतलब नहीं कि रिकॉर्डेड देके छोड़ देंगे उसमें अच्छा अच्छा सम्स प्रैक्टिस होगा डाउट्स होगा समरी क्लास होगा रिवीजन क्लास होगा ठीक है नए नए सम्स प्रैक्टिस होंगे ठीक है इसके बाद में ब्राउन मोशन में आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे तो लगभग लगभग आपको 15 आवर्स का टाइम लगेगा ब्राउन एंड मोशन को अच्छे से कवर करने के लिए ठीक है तो ब्राउन एंड मोशन का जो है बेसिकली इसमें आपके तीन चैप्टर्स है मोशन नाम जितना देख के डिफिकल्ट लग रहा है टॉपिक उतना डिफिकल्ट नहीं है एंड ब्राउन एंड मोशन जो है आपका जो बेस बनाता है आपका बेस बनाएगा बुक फाइव बुक सिक्स एंड बुक सेवन का ठीक है सो बेसिकली बुक फाइव सिक्स सेवन का ब्राउन एंड मोशन आपका बेस बनाएगा ठीक है एक सेकेंड बुक सेवन नहीं होगा बुक फाइव एंड बुक सिक्स एक्चुअली नया करिकुलम में क्या है थोड़े बहुत सिलेबस से चैप्टर्स हट चुके हैं सो so, बेसिकली ये जो है बुक थ्री वाला ये आपको हेल्प करेगा जैसे कि ब्लैक स्कोल्स ब्लैक स्कोल्स जो है उसमें फिर आपको फाइव स्टेप प्रूफ वाले फाइव स्टेप प्रूफ वाले आपके दो चैप्टर्स हैं ठीक है उसमें आपको हेल्प करेगा उसके बाद में आपको क्रेडिट रिस्क क्रेडिट रिस्क एंड टर्म स्ट्रक्चर टर्म स्ट्रक्चर इन सारे चैप्टर्स में आपको हेल्प करेगा ये ठीक है सो इसीलिए ब्राउन एंड मोशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ब्राउन एंड मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपने को एकदम अच्छे से करना है ठीक है तो so मेरा टारगेट यही रहेगा कि पहले मैं आपको बुक थ्री और बुक फोर चालू करूंगा बुक फोर से बट बुक फोर और बुक थ्री एकदम पूरा अच्छे से मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको बिल्कुल भी और कोई टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो ठीक है यहां तक सबको एकदम ठीक चल रहा है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आइए इसके बाद में आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएम टू का वो है आपका बुक फोर तो बुक फोर में आपका आता है डेरीवेटिव डेरीवेटिव आएगा एफ आएगा ठीक है आपका इसमें ग्रीक्स आता है ठीक है आपका इसमें आता है बाइनोमियल मॉडल बाइनोमियल मॉडल ठीक है ना तो ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे बुक फोर में ठीक है तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है एक तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एक जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनल फाइनेंस पर्सनल फाइनेंस क्योंकि आप भी आगे जाके अगर कुछ भी करेंगे तो आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए और हम लोग आपको पूरा रियल लाइफ का पूरा अच्छे से एकदम पूरा नॉलेज देंगे ठीक है इसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा मैं लूंगा 20 से 25 घंटे इसमें लूंगा क्योंकि बहुत डिटेल्ड मैनर में मैं ये आपको कराऊंगा ठीक है डेरिवेटिव हो गया एफेनो हो गया ग्रीक्स हो गया एंड बाइनोमेल मॉडल हो गया ये एकदम पूरा डिटेल्ड मैनर में मैं आपको करवाऊंगा ठीक है तो मेरा मेरा जो टारगेट रहेगा आपके साथ में वो ये रहेगा कि अभी जैसे सितंबर से, से हमारी क्लासेस चालू हो रही है सितंबर 29 से हमारी क्लासेस चालू हो रही है ठीक है तो सितंबर 29 से लेकर के अक्टूबर मिड तक अक्टूबर मिड तक में मेरा आपके साथ में टारगेट रहेगा बुक थ्री और बुक फोर आपको अच्छे से लाइव में पूरा मैं करवा दूंगा ठीक है फिर जो इसके सम्स होंगे वो आपको मैं रिकॉर्डेड में दूंगा एंड जब अक्टूबर मिड तक आपका क्या, क्या टारगेट है ये तो लाइव होगी एंड आपका टारगेट होगा बुक वन और बुक टू को अच्छे से रिकॉर्डेड में करना अच्छे से रिकॉर्डेड में करना एंड इसके में डाउट्स और सम्स मैं आपको एकदम पूरा अच्छे से करवाऊंगा यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो लोग हैंड्रेस करके पूछ सकते हैं यहां तक सबको ठीक है यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ओके अब हम लोग आते हैं खुशी yes, सर um, अभी अक्टूबर में एग्जाम चालू होंगे कॉलेज की हमारे सेमेस्टर एंड ओके तो फिर मतलब ये बुक वन बुक टू वाला टारगेट मीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देखो सीएम टू का सबसे बड़ा खास बात पता है क्या है बुक वन बुक टू मैं आपको बताता हूँ ठीक है जैसे क्या है बुक वन बुक टू ठीक है इसके बाद में आपका दो चैप्टर्स और है एक है आपका रन ऑफ ट्रायंगल्स और एक है आपका रूइन थ्योरी ठीक है मैं आपको ये चार टॉपिक ही रिकॉर्डेड में देखने बोलूंगा ठीक है तो बेसिकली बुक वन बुक टू अब जैसे ये हो गया आपका बुक सेवन और ये हो गया आपका बुक एट तो जो बुक सेवन है और जो बुक एट है ये भी एक एक चैप्टर का है बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों जो टॉपिक्स है ये सीटी टी सिक्स से आए हैं तो बेसिकली टारगेट ये है कि नवंबर एंड तक नवंबर एंड तक ये जो है बुक वन टू सेवन एंड एट ये जो है टॉपिक्स ये आई एम रियली सॉरी ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपको रिकॉर्डेड में करने हैं एकदम टेंशन नहीं लेना है पूरा जो भी सारा टाइप का जो डाउट्स होगा कोई आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी कोई आपको मान लो सम नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी होगा वो पूरा आपका लाइव में करवाऊंगा ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है नवंबर एंड तक का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ अपना टारगेट लेके चल रहे कि नवंबर एंड तक अपने को अच्छे से सिलेबस करना है और जो लाइव में मैं आपको करवाऊंगा बुक 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 थ्री करवाऊंगा ठीक है बुक थ्री और बुक फोर करवाऊंगा अक्टूबर एंड तक एंड जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है सीएम टू का वो चालू होता है आपका बुक सिक्स से जिसमें आप पढ़ते हैं ब्लैक स्कोल्स मॉडल ब्लैक स्कोल्स मॉडल ठीक है फाइव टेप प्रूफ स्टेप प्रूफ का दो है डिस्क्रीट भी है कंटिन्यूस भी है ठीक है ये आपका बुक सिक्स हो गया एंड बुक सेवन में आपका जो आएगा वो आपका आएगा क्रेडिट रिस्क एंड आपका आएगा टर्म स्ट्रक्चर जो थोड़ा बहुत सी टी वन से रिलेटेड है बट अभी थोड़ा डिफरेंट आएगा एडवांस लेवल आएगा इसमें हम लोग इंटरेस्ट रेट मॉडल्स पढ़ेंगे जैसे वैक्सीस मॉडल हो गया हल वाइट मॉडल हो गया सी मॉडल हो गया तो ये सब हम लोग टर्म स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ठीक है ना तो अभी बेसिकली क्या है देखो मेरा टारगेट क्या है अभी आपने खड़े हैं सितंबर एंड में ठीक है अभी अपने खड़े हैं सितंबर एंड में मैं अपना आराम से टाइम लूंगा मेरे को आपको कराना है बुक थ्री फोर फाइव आई एम रियली सॉरी एक मिनट ये आपका आएगा आ, बुक फोर के बाद ये आपका आएगा बुक फाइव और ये आपका आएगा बुक सिक्स ठीक है ना सो बुक थ्री फोर एंड फाइव मैं एक बार देख लेता हूं। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना क्योंकि देखो पहले सी टू में नौ बुक होते थे ठीक है अभी लेकिन आठ हो गए हैं तो जैसे देखो सबसे पहले हमने चालू किया बुक वन से ठीक है बुक वन एंड जो आपका बुक टू है ठीक है ये आपको रिकॉर्डेड में करना है मैं आपको लाइव में कराऊंगा बुक थ्री जिसका रिलेशन है आपका बुक फाइव और सिक्स से तो ये वाली जो पार्ट है ये वाली जो पार्ट है ये वाली जो पार्ट है ये आपकी आ जाएगी बुक फाइव की एंड ये वाली जो पार्ट है ये आपकी आ जाएगी बुक सिक्स की ठीक है सो so बेसिकली uh, बुक फोर जो है मैं चालू करूंगा आपका बुक फोर से ठीक है बुक फोर से मैं चालू करूंगा क्योंकि मैंने जस्ट अभी जस्ट अभी मैंने आपका ये सारी पूरी लाइव की है पूरा रे, लाइव रिकॉर्डिंग किया है मैंने ठीक है कुल मिला के आपको 250 से 300 घंटे का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर विद डाउट्स समाउट सब कुछ आपको ऑलरेडी अवेल करा दिया गया है तो उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है ठीक है अब देखते हैं हम लोग का ये वाला देखिए अपने को दिसंबर जनवरी के लिए कुछ रखना ही नहीं है उस समय अपने करेंगे खाली मॉक्स और रिविजन ठीक है तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर तो अब जैसे क्या है इसमें मैं आपको बताया कि बुक फाइव है और बुक सिक्स है ठीक है तो जो भी सारा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट था वो मैं आपको लाइव करवा दे रहा हूं तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अब जैसे देखो टाइम की अगर बात करें तो आप मेरे साथ साथ चलो मेरे पास में मान लेते हैं दो महीने का टाइम है टू मंथ्स का टाइम फ्रेम है मेरे को चार बुक कराना है तो मैं क्या करूंगा एवरी टू वीक आई विल कंप्लीट वन बुक ठीक है तो कैसे कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा अक्टूबर मिड तक मैं कराऊंगा आपको बुक फोर अक्टूबर एंड तक मैं आपको कराऊंगा बुक थ्री ठीक है नवंबर मिड तक मैं आपको कराऊंगा बुक फाइव एंड नवंबर एंड तक मैं आपको कराऊंगा बुक सिक्स ठीक है इसके बीच बीच क्या क्या होते रहेगी डाउट्स होते रहेंगे कॉन्सेप्ट का रिविजन होते रहेगा सम्स होते रहेंगे एंड एट अगर आप इस प्लान में मेरे साथ हैं तब जाके आपकी जो सिलेबस है वो नवंबर एंड तक खत्म होगी और आप अप्रैल या फिर मई में, में सी टू का जो एग्जाम है उसको आप क्लियर कर पाएंगे ठीक है आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर एक बात मैं आपको बता देता हूं हर दिन हर दिन आपको समझ लो मिनिमम दो से तीन घंटे तो पढ़ने ही हैं ठीक है कॉलेज एग्जाम है ठीक है दो से तीन घंटे पढ़ने हैं एंड पेपर ए और पेपर बी को आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा पेपर ए और पेपर बी को आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा अब जैसे कोलकाता में हमारी क्लास की टाइमिंग्स आ चुकी हैं वीकेंड पे भी मैं क्लास लूंगा क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो वीकेंड में भी मैं लाइव क्लासेस लूंगा तो आपको सारी लाइव क्लास जितना भी आपका लाइव क्लास हो पाए तो वो आपको करना है ठीक है तो जब मैं कोलकाता में रहूंगा तो लाइव क्लासेस वहां होंगी जब मैं दिल्ली में रहूंगा तो फिजिकल क्लासेस वहां होंगी ठीक है बट लाइव ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई भी टेंशन नहीं है वो सारी की सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है एम्पल डाउट क्लास वी विल कंडक्ट इसीलिए देखो दिसंबर में क्या होता है दिसंबर में मोस्टली पढ़ाई नहीं होता है सबका क्रिसमस टाइम रहता है फिर अपने पास में रहेंगे जनवरी फेब्रवरी मार्च और अप्रैल का आधा तो इसमें अपने क्या करेंगे मॉक्स कंडक्ट करेंगे मॉक्स कंडक्ट करेंगे और अपने इसमें करेंगे रिविजन ठीक है और जो लोग ने भी पेपर दे रखे अगर उनका नहीं होगा तो उसका भी अपने को स्ट्रैटेजी प्लान करना पड़ेगा सीएम टू इज वेरी सिंपल टू क्रैक बट आपको मेरे साथ साथ मेरे गाइडेंस को पूरा फॉलो करना पड़ेगा मैं धीरे धीरे करके हमारे सोशल मीडिया चैनल जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया यूट्यूब हो गया उसमें मैं आपको बताते रहूंगा कि आपको कैसे कैसे क्या प्रोसीड करना है बट बहुत सिंपल सा अगर मैं इसको समरी डाउन स्पेंड डाउन करूँ तो ये हो गया हमारा लाइफ का और ये हो गया हमारा रिकॉर्डेड का जो इजी टॉपिक्स है वो मैंने रिकॉर्डेड में दिए हैं तो जब मैं करा रहा हूं बुक फोर आपको करना है बुक वन जब मैं कराऊंगा बुक थ्री आपको करना है बुक टू जब मैं कराऊंगा बुक फाइव आपको करना है बुक सेवन और जब मैं कराऊंगा बुक सिक्स आपको करना है बुक एट ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मतलब आपको रिकॉर्डेड मतलब आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा पूरा का पूरा सपोर्ट रहेगा बहुत सारी क्लासेस होंगी उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ना सबको समझ में आती है मैं क्या बोला कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज पूछिए अभी मेरे से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज मेरे से पूछ लीजिए ठीक है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अब आपको सीएम टू के डैशबोर्ड पे ध्यान रखना है हमारा ट्वेंटी नाइन्थ से क्लास चालू हो रहा है सीएम टू के लिए ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ सेप्टेंबर से हमारा क्लास चालू हो रहा है आपको और टाइमिंग्स -और डैशबोर्ड पे अपडेट कर दी जाएंगे ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच